नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा, करेंगे सीएम से शिकायत, आनंद उत्सव के दौरान खाली पड़ी रही कुर्सियां। नेकी की दीवार से एक ही घंटे में उठ गए सारे कपड़े, प्रशासन की पहल पर पहले ही दिन मिला रिस्पांस। तापमान के तीसरे दिन भी गिरावट हुई दर्ज, शनिवार को पारा रहा 0.2 डिग्री सेल्सियस। लायनेस क्लब ने सेवाभावी कार्यों के तहत बांटे गर्म कपड़े, नवजातों को भेंट देकर दिया खुशहाल जीवन का आशीष। और मकर संक्रांति पर्व के चलते शिवालयों में लगा भक्तों का मेला, जटाशंकर परिसर में लोगों ने लिया सकरात के मेले का आनंद। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल चौबीसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री एक्सवार सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री एक्सवार सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए। अरब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर 14 तारीख शनिवार को आनंद उत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन इस आनंद उत्सव में जिला प्रशासन द्वारा सम्मानजनक भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव ने पहले तो मंच से ही अपना रोष जता दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस प्रयास को किस प्रकार प्रशासन ने हल्के तौर पर लेकर कोई इंतजाम नहीं किया, जिससे वह रोषित है। वहीं बाद में तूफान टीवी से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आनंद उत्सव के फ्लॉप आयोजन पर भी भोपाल में शिकायत के साथ सीएम को भी शिकायत करेंगे, जिससे प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना कार्य पर आगामी दिनों में सुधार किया जा सके। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब इतना शानदार कार्यक्रम लॉन्च किया और इस कार्यक्रम को प्रशासन के तौर पर इस कार्यक्रम को यहाँ निर्धारित करने का निश्चय किया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति, उनकी उदासीनता मेरी नाराजगी के कारण है। इससे पहले भी सुशासन दिवस में जिस तरीके से शासकीय कर्मचारियों की अनुपस्थिति थी और आज माननीय कलेक्टर और SDM और तहसीलदार के अलावा कोई भी शासकीय कर्मचारी मुझे यहाँ नज़र नहीं आया, इस बात को लेके मैंने कल माननीय कलेक्टर महोदय के सामने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा वहाँ कर्मचारियों की अनुपस्थिति चिंता का कारण है और मैं समझता हूँ कि इसमें सुधार किया जाए, वरना मुझे संगठन और प्रशासन स्तर पर मुझे इसकी शिकायत करेंगे आप क्या? अवश्य। जिला प्रशासन के सहयोग से जटाशंकर परिसर में मकर संक्रांति पर्व से जरूरतमंदों के लिए नेकी की दीवार का भव्य शुभारंभ किया गया। यहाँ पर भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ अन्य पदाधिकारियों, कलेक्टर, SDM एवं तहसीलदार के अलावा अन्य लोगों के द्वारा लाए गए कपड़ों को यहाँ पर रखा गया। वहीं इसी दौरान जरूरतमंदों को तत्काल ही कपड़े दिए गए। इस अवसर पर शहर के SRT समाज के एक व्यक्ति ने अपनी ओर से शर्ट रखकर अपनी मानवता का परिचय दिया। इस दीवार की जानकारी लगने के बाद यहाँ पर आए कपड़े एक ही घंटे में पूरी तरह से खत्म होते नजर आए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक आनंद विभाग का अनूठा विभाग के गठन किया है, उसी के तहत आज आनंद महोत्सव का शुभारंभ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम लोगों को खुशी दे के स्वयं कैसे आनंदित हो सकते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को उन्होंने आज प्रारंभ किया है। देखिए, अभी हम लोगों ने तय किया है कि 10-11 स्थानों पर जगह चयनित कर लेंगे, वहाँ सभी जगह जो कि जो भी आवश्यकता अनुसार जिसके पास भी जो भी वस्तुएं होंगी जो कि उनके पास अधिक के रूप में होंगी वो वहाँ पर रखेंगे। अधिक से अधिक ऐसे वर्ग, ऐसा तबका जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है और ऐसे लोग जिनके पास आवश्यकता से ज़्यादा वस्तुएं हैं, तो उनसे आह्वान पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने किया है कि आप लोग जो आवश्यकता से ज़्यादा वस्तु उनको लेकर नियत स्थान पर रख दें, ऐसे लोग जिनको उस वस्तु की आवश्यकता वो लोग उठाकर ले जाएं। तो हम तत्काल यहाँ पे आए और 130 शर्ट फ्रेश लेकर आए और हमें अच्छा लगा और आगे आप हमसे जो भी सहयोग करें तो हम उसके लिए तैयार हैं। और मेरी ये है कि इससे अच्छा आप कहीं घंटा करके आसपास कोई जगह तलाशें और वहाँ पे ये कार्यक्रम रखें तो और शहर में अच्छे लोगों को पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे। सम्मानीय मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है या जो आह्वान
आह्वान किया जा रहा है प्रदेश की जनता को, इसमें महिलाओं का मुख्य योगदान रहेगा। और मैं दमोह शहर की सभी महिलाओं से ये अनुरोध करती हूँ कि वो अपने घर में जो ऐसी वस्तुएं हैं जो अधिक है तो उनको बाहर निकालें, और शेयरिंग जो हम बच्चों को छोटे से सिखाते हैं उस शेयरिंग में वो अपना योगदान। दमोह के दमदार तापमान ने एक बार फिर पारे में गिरावट दर्ज की है। लगातार तीसरे दिन भी तापमान में गिरावट दर्ज होने के बाद अब पारा लुढ़क कर 0.2 डिग्री हो गया है। लगातार तापमान में कमी होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में भी तापमान के इसी प्रकार से धड़ाम से गिरने का क्रम जारी रह सकता है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। लायनेस क्लब की ओर से अपने सेवाभावी कार्यों की श्रृंखला में फिर एक क्रम जोड़े जाने का प्रयास किया गया। क्लब के पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर सभी सदस्यों ने जिला अस्पताल पहुंचकर नवजात बच्चों को गर्म कपड़ों का उपहार दिया, साथ ही उनकी मां को गुड़ के लड्डू प्रदान किए। क्लब के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने बताया कि इस संगठन के संस्थापक का आज जन्मदिन है, इस कारण से इसे यादगार बनाने का यह कार्य उन लोगों के माध्यम से किया गया है। दमोह वासियों को सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ठंड बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए और हमारे लायंस क्लब के जो संस्थापक हैं मेलविन जोन्स, उनका आज जन्म दिवस है आज, क्योंकि वो हमारे सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं, तो हमने ये सोच करके कि ठंड से राहत देने के लिए नवजात बच्चों को हम गर्म कपड़े और माताओं को जो गुड़ के लड्डू हैं ताकि वो जितना अपने आप को सेहतमंद रख सकेंगी तो उनसे बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे। लायंस क्लब के जो संस्थापक है मेलविन जोन्स, उनका जन्मदिन है, तो हम सब क्लब सदस्यों ने सोचा कि उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर और नए वर्ष की शुरुआत पर कुछ ऐसा करें जो, चूँकि वो सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों ने भी सोचा जो नवजात शिशु हैं उनको गर्म कपड़े दें। और लायंस क्लब के संस्थापक मेलविन जोन्स जी का बर्थडे है, इसलिए आज उन्होंने दीन दुनिया और पीड़ित मानवता की सेवा की उन्होंने सबसे बड़ा रोल बताया है। इसी उसमें आज देखा हम लोगों ने दमों का तापमान बहुत ही कम हो गया है, तो हमें लगा जो इस धरती पे नवजात शिशु आज पैदा हुए हैं क्यों ना आज हम उनसे शुरुआत करें। इसलिए हम लोगों ने ठंड से राहत देने के लिए यहाँ सभी बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्वेटर्स और माँ के लिए गुड़ का लड्डू लेके आए हैं। मकर संक्रांति पर्व के चलते जहाँ लोगों में उत्साह चरम पर रहता है, वहीं नगर के जटाशंकर धाम में भी लोगों को दर्शन करने के लिए तांता लगा रहता है। भगवान जटाशंकर का दर्शन करने के लिए सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ नजर आई, साथ ही यहाँ पर भक्तों का मेला लगा रहा। भक्तों ने भगवान को जल दूध के साथ पूजन सामग्री भेंट की। इस दौरान यहां पर लोगों ने सकरात के मेले का भी आनंद लिया। भारतीय जनता पार्टी दमोह नगर, मैं समस्त प्रदेशवासियों एवं नगरवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और गोपाल टीवी को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। समस्त नगरवासियों को मैं राजू रामदेव युवा मोर्चा नगर महामंत्री तूफान TV.com के माध्यम से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना प्रेषित करता हूँ। पटेरा थाना अंतर्गत ग्राम भरतला में एक ही परिवार के चार लोगों के आग में जल जाने के बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परिवार में देवर भाभी के बीच कुछ अनैतिक था, जिस कारण से पहले भी विवाद हो चुका है। वहीं एक बार फिर महिला के पति ने इनको साथ देख लिया तो महिला ने स्वयं को आग लगाने का प्रयास किया। वहीं महिला को बचाने के दौरान पास ही रखी प्यार में भी आग लग गई, जिससे परिवार के चार लोग झुलस गए, जिसमें पति, पत्नी, माँ एवं देवर शामिल है। देवर हो जाए कि वातावरण होगा तो उन्हें धनी प्यार में आ गई। सुबह से उन्हें
देवर हो जाए होगा और वातावरण सास तो हमारे होता ही ठीक है नहीं पहले भी प्यार में धरत रहे फिर नहीं प्यार यार में धरी है बहुत ठीक दिल धरो तो होता ही सुन प्यार में धरी से फिर भग भग आ गई यार नहीं मिट्टी तिल डालो यार नहीं डालो नहीं। बनारस से कुर्ला जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस वैसे तो कोहरे के कारण लेट चल रही है, वहीं ट्रेन का इंजन फेल हो जाने के बाद वह 2 घंटे तक दमोह में खड़ी रही, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात को करीब 2:30 बजे इस ट्रेन के आने का समय है, लेकिन कोहरे एवं ठंड के कारण सुबह ही यह ट्रेन दमोह पहुंच सकी है, लेकिन उसका इंजन फेल हो गया। इसके बाद नए इंजन को लगाकर ट्रेन को रवाना किया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान करीब 2 घंटे का समय लग गया, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोतवाली थाना अंतर्गत हजारी के तली इलाके में कुछ ही दिन पहले कई मामलों में आरोपी दीप्पू साहू की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस हत्याकांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनको मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उनको कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। संदिग्ध हालत में एक अधेड़ की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मल्लोपुरा निवासी प्रकाश अहरवाड ऑटो चलाने का काम करता था, जो शुक्रवार की रात सवारी को छोड़ने के लिए लक्ष्मण कुटी गया हुआ था। वहीं रात करीब 9 बजे वह अज्ञात कारणों से कुएं में गिर गया, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। वहीं मौत पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले में मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रेम प्रकाश प्रेम शंकर सुमन है, मल्लपुरा ऑटो ड्राइवर, और कल रात में कुएं में गिरने की जानकारी मिली है, जिससे मौत हुई है। और उसका पंचनामा वगैरह कराया, पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में क्या कार्रवाई होगी, जो भी जांच में आएगा कार्रवाई की जाएगी। यातायात विभाग की ओर से लगातार शासन के निर्देशों के बाद वाहनों की जांच करने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते सागरनाका बाईपास पर जांच अभियान चलाया गया, जहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच करके जुर्माना किया गया। इस दौरान यातायात पुलिस का अमला मौजूद रहा। वहीं अभियान के दौरान वाहन चालकों में हड़कंप के हालात बने रहे। कई वाहन चालक कार्रवाई की बात सुनने के बाद जांच स्थल से दूर अपने वाहनों को खड़ा करके कार्रवाई खत्म होने का इंतजार करते नजर आए। तूफान टीवी के अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।